आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाएंगे, हम आपकी राय इस पे चाहेंगे कि क्या ये राय जो दी गई है या जो हकायक बयान किए गए हैं ये सही हैं कि नहीं। सबसे पहले ये बताया जाता है इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर कि पाकिस्तान की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम साहब से शुरू हुई और ये कहा गया कि पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम की आमद से होती है। हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम दो औरतों की चीखें सुन के उनको बचाने के लिए आ गया था। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। मैंने पूछना ये था कि अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे और टेक्स्ट में भी ये बातें हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है सोमनाथ का बुत तोड़ के वो हमारे हीरो ठहरते हैं, तो फिर हम ब्लास्फेमी के अगेंस्ट दूसरों पे प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं? उन्होंने भी तो किसी के होली जगह, किसी के मुकद्दस जगह की उन्होंने पामाली की, उन्होंने किसी के मंदिर को तोड़ा, तो फिर हम बाबरी मस्जिद के तोड़ने पे कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? और सीधी सी बात है बाबा, पहले जैसी ही रात है बाबा, तुम जहाज जाके अपने काबुल में करो, ये हमारा सवाल है बाबा। बात मोहम्मद बिन कासिम की किया आपने, मोहम्मद बिन कासिम को हीरो तो हम उसका पोर्ट्रेट ना लेते हैं कि ही वाज अ हीरो और उसके दाखिल होने से इस्लाम आया या व्हाट सो एवर। सिंध के लोग मोहम्मद बिन कासिम की डिफरेंट तारीफ बताते हैं और हमें डिफरेंट बताई जाती है। आप सिंध के किसी बंदे से पूछ लें वो ये भी कहेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो राजा दायर था उसकी दोनों बेटियों जिसका नाम हुरला देवी और शुरला देवी था उसका रेप भी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। हम ये क्यों मसख करते हैं, ये क्यों छुपाते हैं? इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पाकिस्तान की बुनियाद पड़ गई, तो फिर हमें बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान के बानी मोहम्मद बिन कासिम थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। दूसरा आपने ये फरमाया कि सती हिंदुइज्म में सती पढ़ाई जाती है, इसलिए अगर हम ये पढ़ाते हैं कि हिंदू अपनी औरतों से अच्छा सलूक नहीं करते तो क्या बुराई है? आपके इल्म में है कि हिंदुस्तान में सती पर पाबंदी लग चुकी है? अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात। हिंदुस्तान में अगर इंसानियत के मुताबिक कोई अच्छा अमल हो रहा है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, 1940 में जाके हमें क्यों ख्याल आया कि हमें एक अलग मुसलमान रियासत बनानी चाहिए